हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज कस्बे में चल रही दंगल प्रतियोगिता में मारपीट हो गई। इसका वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इंटरनेट पर वायरल हो रही वीडियो में दिख रहा है कि अखाड़े में बेवजह घूम रहे एक पूर्व प्रधान के बेटे को नेपाली पहलवान ने अखाड़े से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद गुस्साए दबंगों ने नेपाली पहलवान को दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया। मामले के संबंध में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है, शिकायत आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। नवाबगंज कस्बे के रामलीला मेले में शनिवार को नेपाली पहलवान शंकर थापा कुश्ती लड़ने के लिए आए थे। वो अखाड़े में कुश्ती लड़ने के लिए उतरे तो पूर्व प्रधान के बेटे भी अखाड़े में घूमने लगे। ये देख नेपाली पहलवान शंकर थापा ने विरोध करते हुए उसे अखाड़े से बाहर निकाल दिया। इससे गुस्साए पूर्व प्रधान के बेटे के दबंग समर्थकों ने नेपाली पहलवान शंकर थापा को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। शंकर थापा को बचाने के लिए दूसरे पहलवान आए तो दबंग उन पर भी हमलावर हो गए। बाद में उसने माफी मांगी, तब मामला शांत हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद भारत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।